जय माता दी। दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस वक्त कटरा में, कटरा से माता वैष्णो देवी की यात्रा से। आप भक्त वैष्णो देवी यात्रा दर्शन करने जा रहे हैं मार्च महीने में या फिर चैत्र नवरात्रि के समय में, तो आप भक्तों को इस वीडियो में मैं संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ कि कितनी भीड़ मार्च महीने में आएगी और नवरात्रों में कितनी भीड़ बढ़ेगी, अर्धकुमारी में दर्शन कैसे होंगे, कितना समय लगेगा आपको भवन पे, और साथ ही साथ आपको कितने कम खर्च में आप दर्शन कर लीजिएगा। आप इस समय दर्शन कर रहे हैं बाणगंगा का, हाथ जोड़कर नमन करिए, माता रानी आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करे और आपकी यात्रा मंगलमय करे। आप भक्तों को अगर मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और भक्तों के साथ साझा करिएगा और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप भक्तों को बताना चाहती हूँ कि श्री माता वैष्णो देवी यात्रा में नवरात्रि में लगभग काफ़ी भीड़ आने वाली है, क्यों आमतौर पर 25,000 से 30,000 भक्त रोज दर्शन कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। बीते कई दिनों में आंकड़ों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और आने वाले दिनों में भी नवरात्रों के समय में यह आंकड़ा दुगना होने वाला है। जानकारी के अनुसार बता दूं कि नवरात्रि में भक्तों की संख्या प्रतिदिन 50,000 को पार करने वाली है, जिसकी वजह से साइन बोर्ड यात्रा में सुरक्षा की इंतजाम करने वाला है। आमतौर पर देखा जाए कि नॉर्मल दिन में 25,000 से 30,000 भक्त दर्शन करने को आते हैं और जब भी माता रानी का पवित्र नवरात्र आता है तो भारी संख्या में भक्त भवन की ओर रुख करते हैं। तो इस वक्त आप दर्शन कर रहे हैं अर्धकुमारी का, अर्धकुमारी मंदिर परिषद का दर्शन कर रहे हैं। आमतौर पर अर्धकुमारी का मंदिर परिषद का दर्शन करने के लिए काफ़ी भीड़ लगती है और कम से कम 1 से 2 दिन का वेटिंग लगता है, लेकिन पवित्र नवरात्रों की बात कर ले तो ये वेटिंग बढ़कर 3 से 4 दिन का हो जाता है, कभी कभी तो ये 3 दिन पार भी कर जाता है, क्योंकि पवित्र नवरात्रों में काफ़ी भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं और सभी चाहते हैं अर्धकुमारी मंदिर परिषद का दर्शन करने के लिए। तो आप भक्त अगर मंदिर परिषद का दर्शन करने चाहते हैं तो यहाँ पर रसीद कटवा के आप भवन की ओर रुख कर लीजिए, क्योंकि भवन पर दर्शन कर लीजिए आराम से, क्योंकि भक्तों का नंबर आने में काफ़ी समय लगता है। माता रानी आपकी यात्रा मंगलमय करे और आपकी यात्रा को संपूर्ण करे। अगर मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा, भक्तों के साथ साझा करिएगा। नवरात्रि में दर्शन करने भवन पे आ रहे हैं तो आप भक्त एक ही दिन में दर्शन करके वापस कटरा रिटर्न हो जाइए। अगर आपकी कोई भी बुकिंग डॉर्मेट्री या रूम की अन्यथा व्यवस्था नहीं है ऑनलाइन, तो आपको ऑफलाइन काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप भक्तों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, आप भक्तों को उत्तम व्यवस्था नहीं मिल पाएगी, क्योंकि भक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा आती है प्रतिदिन। यही कारण है कि साइन बोर्ड उतनी सुविधा नहीं बना सकता भवन पर, क्योंकि भवन एक पहाड़ों पे बसा हुआ है और प्राकृतिक चीज़ों से ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते। आप भक्त ये कर सकते हैं कि भक्त सुबह कटरा से चले और माता रानी की पवित्र यात्रा करें और 5 से 6 घंटा पे भवन पहुंच जाए और भवन से लगभग ऐसे आम दिनों तो 1 से 2 घंटा का आपको ऊपर वेटिंग मिलता है और पवित्र नवरात्रों में ये 3 से 4 घंटा में आपको दर्शन हो जाएगा और आप नीचे की ओर चले आएँ। तो आप भक्तों को बता दूं कि आपको सभी सुविधाएं तो ऊपर मिलेगी, जैसे घोड़ा, पिट्ठू और पालकी की व्यवस्था 24 घंटा आपको मिलती है। और जहां बात कर लिया जाए आपको बैटरी कार की सुविधा, वैसे तो आपको ऑनलाइन फुल हो चुकी है, ऑफलाइन आपको अर्धकुमारी पे लाइन लगना पड़ेगा। अर्धकुमारी पे यहाँ पे 3 से 4 घंटा पे आपको लाइन का नंबर आएगा, आपको लाइन पर लग के आपको नंबर मिलेगा, हो सके नंबर ना भी मिले उस दिन, क्योंकि आन देना तो आपको 1-2 घंटे लगती है, लेकिन पवित्र नवरात्रों में ये काफ़ी भीड़ रहती है तो भीड़ों के कारण आपको नंबर मिलने में बहुत दिक्कत होगी। ऑफलाइन बुकिंग आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, ऑफलाइन बहुत चीज़ों का दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। हालांकि आप भक्तों को थोड़ा प्लानिंग करके आने की ज़रूरत है, क्यों साथ ही यात्रा पर आने वाले घोड़े खच्चर पार्क की सुविधा सब 24 घंटा मिलती रहेगी, लेकिन हेलीकॉप्टर की सेवाएं और बैटरी कार की सेवाएं वो पहले ही ऑनलाइन बुक फुल हो जाती है। अगर आप भक्त ऑफलाइन बुक करना चाहते हैं तो आप बैटरी कार को अर्धकुमारी पर और लाइन लगकर ले सकते हैं, और जैसे आप भक्तों को 2 से 3 घंटा लाइन में लगेगी और हेलीकॉप्टर की बुकिंग आपको ऑफलाइन नहीं मिलेगी, निहारिका भवन से मिलेगी। तो आप भक्त को बता दें कि आप अगर कटरा पे होटल लेना चाहते हैं तो 500 रुपये में आपको होटल मिल जाएगी। अगर आप वैष्णो देवी के साइन बोर्ड के होटल चाहे डॉर्मेट्री में स्टे करना चाहते हैं तो आपको इसकी बुकिंग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको माता वैष्णो देवी के ओ आर जी
वेबसाइट पर जाना होगा और माता वैष्णो देवी के साइन बोर्ड में एक निहारिका भवन है जिसमें डॉर्मेट्री चार्जेस 100 रुपया पर पर्सन का लिया जाता है और एक बेड दिया जाता है और साथ ही आपको कॉमन बाथरूम दिया जाता है। इसके साथ आप वहाँ रूम भी बुक कर सकते हैं जिसके रूम का चार्जेस अलग अलग होता है, जिसमें रूम 800 रुपये से शुरू होता है और आप अपने बजट के हिसाब से रूम बजट है आप उस हिसाब से अपना रूम बुक कर सकते हैं। 800 रुपये से शुरू होता है आंदिना, तो आपको रूम मिल जाएगा, बुकिंग मिल जाती है, लेकिन जिस समय पीक सीजन रहता है वहाँ चार्जेस बढ़ जाती है। जैसे अप्रैल मई और अक्टूबर महीने में आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है, उस समय पीक सीजन रहता है तो वहाँ महंगे मिलती है उस समय होटल, और ऐसे कटरा में आपको 500-600 रुपये में होटल मिल जाएगी। तो आप इस समय दर्शन कर रहे हैं कटरा से, कटरा में ऊपर का नज़ारा, शाम का नज़ारा काफ़ी सुंदर लग रहा है नज़ारा। आप भक्त अगर दर्शन करने के लिए जाते हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा, तो आपको हर चीज़ की सुविधाएं आपको साइन बोर्ड उपलब्ध कराता है। आप भक्तों को बता दें, अगर आप वैष्णो देवी की यात्रा नवरात्र में अगर दर्शन करने आ रहे हैं तो आप भक्तों को ध्यान रखना होगा कि आप ज़्यादा समय ऊपर नहा बिताएं, क्योंकि भवन पे काफ़ी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। आप हो सके तो रात में ही अपनी यात्रा मंगलमय करें, रात में यात्रा करें। मेरी दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही होगी तो भक्तों के साथ साझा जरूर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जय माता दी जरूर करिएगा। जय माता दी।